हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, मैं हूँ धीरेंद्र कुमार और मैं अभी आपको बता रहा हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये पार्ट 5 है। ठीक है, आज के क्लास में पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, अगर आपने पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो। ठीक है, तो आज के क्लास में अभी और आगे इसका और आगे बनाने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आज के क्लास में हम लोग करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में, ठीक ना, साइन इनवर्स के फॉर्म में कितना लिखा है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए देखिए तो ये फॉर्मूला कैसा है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको बनाना है कैसे बनाओगे, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स क्या है, तो एक एंगल है, आपको बताया था कि इनवर्स मतलब एक एंगल है, साइन इनवर्स वाई भी एक एंगल है, तो बी यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्या लगाना है, साइन इनवर्स इधर है यानी कि साइन को इधर लाओगे तो साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है तो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का, मतलब इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, और अगर ये फॉर्मूला पता है तो इसको याद रखना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, साइन इनवर्स एक्स को कोई एंगल ले लेते हैं ए, एंड साइन इनवर्स वाई को कोई एंगल ले लेते हैं बी, तो इससे क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू एक्स। देखिए साइन इनवर्स अगर साइन इधर लाओगे तो साइन ए बन जाएगा इक्वल टू एक्स, एंड साइन बी इक्वल टू वाई। ठीक है, ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला में साइन ए के साथ कॉस ए भी यूज हो रहा है, तो साइन ए को एक्स लिखे हैं तो कॉस ए को कितना लिखना होगा। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कॉस बी लिखोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग डिराइव करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे कॉस बी का भी जरूरत है, तो कॉस बी अगर निकालोगे तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर बी करना होगा, तो रूट अंडर वन माइनस कॉस साइन बी, साइन बी की जगह कितना लिए हैं, तब बाई, तो बाई स्क्वायर। ठीक है, तो प्रूफ यहां से कर रहे हैं, तब क्या करेंगे कि अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक ना, तो देखिए साइन ए की जगह क्या रख सकते हैं, तो एक्स कॉस बी, कॉस बी का जगह क्या रख सकते हैं, तो रूट अंडर वन माइनस पाई स्क्वायर प्लस कॉस ए, कॉस ए का जगह क्या रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू साइन बी का जगह क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए वाई, तो इतना वाई, ये क्या हो गया, तो ये साइन ए प्लस बी का जगह पे हो गया, तो ए प्लस बी इक्वल टू एक काम करते हैं, इधर ले लाते हैं साइन को, तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, सॉरी एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई। अब आप क्या करो कि ए की जगह क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से रिप्लेस कर लो, तो इसके जगह साइन इनवर्स एक्स, और बी की जगह क्या लिख सकते हो, तो यहां पे देख लो साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस पाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है।
क्या जी का फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को साइन इनवर्स में सिर्फ लिखना है तो एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ए वाला आपको फॉर्मूला याद है, इलेवेंथ में आपने पढ़ा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये अगर फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस जहां रहेगा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर है, प्लस कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी फिर से, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये कॉस की जगह रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू साइन बी की जगह वाई। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अगर एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला बनाना है तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे साइन अगर ए माइनस बी रहे माइनस, तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो सिमिलरली प्रूफ करना होगा, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, तो आप नोट कर लो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो आगे कुछ देखते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाय माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों को रूट को एक साथ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ए कौन सा फॉर्मूला पे बनेगा, तो देखिए ए बी, ए प्लस बी है और इधर से कॉस लाएंगे, यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को आप ए ले लो, ठीक ना, एंड कॉस इनवर्स बाई को कुछ और एंगल बी मान लो। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो कॉस ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा, सिमिलरली कॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखिए हम साइन निकाल लेते हैं, साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या करें, साइन बी करें, तो हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करना होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो देखिए फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक ना, ये फॉर्मूला आपने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है। ठीक ना, एडिशन के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि कॉस ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए, कॉस ए की जगह कितना है एक्स है, कॉस बी की जगह कितना है, तो बाई है, एक्स इंटू बाई माइनस साइन ए कितना है, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी कितना है, तो रूट अंडर वन माइनस बाई स्क्वायर। कॉस को आप इधर ले लो तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, कॉस को अगर आप इधर लाओगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस बाई स्क्वायर। ए की जगह कितना लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे ए की जगह कॉस इनवर्स एक्स लिया गया है, तो कॉस इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, और बी की जगह कितना हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला में देखिए यहाँ अगर माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ स्टडी किया होगा ये फॉर्मूला, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला जो है ये हम लोग क्वेश्चन बनाते समय बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स को आपको कॉस इनवर्स में लिखना है, क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स के टर्म यहाँ पे क्या आएगा,
साइन इनवर्स एक्स को लिखना है, कॉस इनवर्स कितना यहाँ पे कितना आएगा ये सोचना है, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, आप क्या करो कि लिखना अगर है, अब कॉस इनवर्स के टर्म में लिखना है, टेन इनवर्स के टर्म में लिखना है, कोई भी टर्म में लिख सकते हो। देखिए कैसे, साइन इनवर्स एक्स को कुछ भी मान लो कि थीटा है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर साइन थीटा एक्स पता है तो कॉस हमको निकाल लेना है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की जगह फिर से रिप्लेस कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली देखिए, ये फॉर्मूला जो बना क्वेश्चन बनाते समय लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स लिखना है, साइन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे समझ लो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो कॉस होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। तो देखिए एक चीज और समझ लीजिए आप, कि सपोज दैट साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, आप कैसे भी लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ, सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स लिखना है, टेन इनवर्स कितना लिखा गया यहाँ पे, या कॉट इनवर्स कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक ना। साइन इनवर्स से टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स कितना आएगा एक्स के टर्म में, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो कैसे लिख सकते हो, तो देखो साइन इनवर्स एक्स को क्या लो, थीटा ले लो, तो साइन थीटा कितना होता है, एक्स हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा एक्स हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई वन। अब जानते हो कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई पी, तो यहां से क्या, सॉरी पी बाई एच, तो एच के जगह पे वन, पी के जगह पे एक्स ले सकते हैं, और के सॉरी बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे बी मिसिंग है तो बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, आपने टेंथ में इस तरह का पढ़ा। तो बी का वैल्यू निकालोगे तो वन माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखिए आपको निकालना क्या है, टेन का फॉर्म है, तो आप टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा क्या होता है, तो पी बाई बी होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी, पी की जगह कितना है एक्स है, तो एक्स डिवाइडेड बाई बी, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट किया रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जगह फिर से हम लाकर रिप्लेस कर देते हैं साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ टेन थीटा इक्वल टू इतना लिखा होता है, थीटा टेन इनवर्स इधर हो जाएगा, तो थीटा की जगह लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स का फॉर्म में लिखना है, तो कितना लिखेंगे, एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स को आप टेन इनवर्स का फॉर्म में लिख सकते हो, कॉस इनवर्स का फॉर्म में लिख सकते हो, कॉट इनवर्स का फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, कैसे भी किसी के टर्म में लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको लिखना है कॉस इनवर्स एक्स, आप देखो करके, सपोज दैट टेन इनवर्स का फॉर्म में लिखना है, कितना लिखाएगा, अब इसको ट्राई कर लो, सेक इनवर्स के फॉर्म में कितना लिखाएगा, साइन इनवर्स के फॉर्म में कितना लिखाएगा, ठीक है। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, ये बेसिक का यूज करके, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज दैट आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करके रखो, अगले लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सपोज दैट कुछ क्वेश्चन करते हैं, मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि इवेलुएट करना है, सपोज दैट कॉस स्क्वायर वन बाई टू कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, कितना होगा। और कुछ क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, ठीक है, कमेंट करके आप बताओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सपोज दैट कॉस इनवर्स
सपोज दैट यहाँ पे कॉस 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 6 डिग्री नहीं है, ओनली 6 है, ठीक है, 6। तो इसका आंसर कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर सपोज दैट लेते हैं साइन इनवर्स, साइन सपोज दैट, सॉरी ऐसे लेते हैं साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 9। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 9 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप निकालो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको क्या करना है, सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4, इसको सोल्व करना है, ठीक ना। सोल्व करना मतलब क्या है, x का वैल्यू निकालना है, आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया जाए कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ दैट। तो क्या प्रूफ करना है आपको, तो देखिए क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है आपको टेन इनवर्स 1/4, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। चलो तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, और इसका अगर सोल्यूशन हो जाता है तो आप कमेंट करो, और नहीं तो फिर अगले क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट भी करें। आपको कोई अगर और किसी तरह का दिक्कत है, ठीक है, या कोई टॉपिक में और दिक्कत है तो आप बताएं हमको। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।